हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं किन्नू की चाट। यानी जिस तरह से हम गलगल का खट्टा बनाते हैं, उसी तरह से हम ये बनाएंगे। ये रेसिपी बहुत इजी है और आप इसे इसकी जगह ऑरेंज का भी यूज़ कर सकते हो, संतरों का भी यूज़ कर सकते हो। शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे दो किन्नू लिए, यानी ये जो फ्रूट है ये संतरों की तरह ही होता है। पंजाब एरिया में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। सबसे पहले मैंने इनको बीज से काट लूँगी, इसके बाद इसे डीसीड कर लूँगी, इसके बीज निकाल लूँगी। बीज निकालने के बाद मैं यहाँ पे इसे पील ऑफ कर लूँगी, यानी इसका छिलका उतार लूँगी और इसे अच्छे से साफ कर लूँगी। सेंटर से मैंने इसे इसलिए काटा है ताकि इसके जो बीज है वो इजिली निकल जाए और हमारी जो चाट में है वो ना आए। आप इसकी जगह ऑरेंजेस का भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ये गलगल से बनता है, यानी एक तरह का फ्रूट होता है, वो भी उससे अचार बनता है। इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पीसेस कर लिए। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी सीजनिंग, यानी जिसमें मुझे मसाले ऐड करने हैं वो। मैंने हाफ टी स्पून यहाँ पे काला नमक लिया, ब्लैक सॉल्ट हाफ टी स्पून, मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए। आप सिंपल लाल मिर्ची का भी यूज कर सकते हो या फिर हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हो, पेस्ट या फिर पतीली। और हाफ टी स्पून चीनी यानी शुगर, हाफ टी स्पून चाट मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये फ्लेवर है, इनका फ्लेवर है, वो इसमें अच्छे से आ जाए। और 2 टीस्पून हरा बारीक कटा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा किन्नू चाट रेडी है, यानी किन्नू का खट्टा।